हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टाइप की प्लांटर्स सबके घर में रहते हैं। अक्सर हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी के बॉटल्स फेंक देते हैं, बट अगर बॉटल्स ना फेंकते हुए इस टाइप के हम प्लांटर्स भी बना सकते हैं। देखिए, चलिए इसको कैसे बनाते हैं दिखाएं। इस टाइप की खाली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेनी है, कोई भी साइज ले सकते हैं। बॉटल को इस तरीके से कट करना है एक चाकू से। इतना पार्ट हमको कट करके निकाल लेनी है, हमको होल्स बनाना है। कोई नोकीले टूल से हमको ऐसे होल्स बनाना है ताकि हम उसको अच्छे से बांध सकते हैं तार से, या फिर यहाँ से आपको तार से बांधना है यहाँ से यहाँ तक आपको, या फिर मोटा सा रस्सी के साथ भी हम बांध सकते हैं हैंग करने के लिए। इधर भी पीछे भी एक होल करना है हमको, नीचे बॉटल के नीचे साइड में। इधर से पानी ड्रेन हो जाएगा, जब आप पानी डालते हैं झाड़ पर तो इधर से पानी ड्रेन होकर निकल जाएगा। इस तरीके से हमको हैंडल्स बनानी है। इस टाइप के वायर भी आप यूज कर सकते हैं हैंडल बनाने के लिए, या फिर आप मोटा सा रस्सी भी यूज कर सकते हैं। ये हैंडल रेडी हो गया, अभी इसमें हमको मट्टी डाल के भरना है। यहाँ तक हमको मिट्टी भर देना है और इस तरीके से हमको प्लांट्स लगाना है इसमें ऐसा, और अभी इसको हम हैंग कर देंगे। देखिए, इस तरीके से हम कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स का अच्छा रीयूज कर सकते हैं। इस तरीके के सिंपल वे में हम बॉटल्स का प्लांटर्स बना सकते हैं। घर में ही हम प्लांट्स के लिए खाद बना सकते हैं। इस टाइप का कंटेनर लेके ऐसे होल्स बनाने हैं, देखिए ऐसे। और हमारा हर रोज जो हम यूज करते हैं वेजिटेबल्स वगैरह, उनके जो छिलके हैं हमको फेंकना नहीं है, हम कैसे स्टोर कर लेंगे। जो वेजिटेबल्स के हैं, फ्रूट्स के जो छिलके हैं, इसको फेंकना नहीं है, ऐसे स्टोर करना है। और ये अच्छा खाद बन जाता है, है? और उससे क्या, प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं और अच्छे फूल खिलते हैं। देखिए, अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।